चलिए तो हम बात करते हैं आरबीआई से संबंधित जानकारी के बारे में। 2019 में जो घटनाएं आरबीआई के साथ घटी वो उन्हीं के बारे में। तो सितंबर माह की बात करें हम 2019, तो हर्षवर्धन समिति ने आरबीआई गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाउसिंग फाइनेंस प्रतिभूतिकरण बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के उपायों पर सुझाव देने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 51% सरकारी स्वामित्व के साथ एक मध्यस्थ की स्थापना की जाए। समिति की प्रमुख विशेष सिफारिशें इस प्रकार हैं: डेटा संग्रह एवं एकत्रीकरण हेतु मानकीकृत स्वरूपों सहित प्रतिभूति के लिए उपयुक्त ऋण उत्पत्ति, ऋण शोधन, ऋण प्रलेखन तथा ऋण मानक विकसित करना है। प्रत्यक्ष असाइनमेंट लेन देन और पास थ्रू प्रमाण पत्र में शामिल लेन देन के साथ साथ बंधक समर्पित प्रतिभूतियों और परिसंपत्ति समर्पित प्रतिभूतियों के लिए बिना विनियामक दिशा निर्देशों को पृथक करना, MBS के न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता के लिए विनियामक मानदंडों में छूट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 मई 2019 को हाउसिंग फाइनेंस प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हैं बैन एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला टी एन मनोहरन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने कॉरपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर अपनी रिपोर्ट पेश की। केनरा बैंक के अध्यक्ष हैं टी एन मनोहरन की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने स्वयं नियामक निकाय की स्थापना की सिफारिश की, जो प्रस्तावित द्वितीयक बाजार की देखरेख करेगा। टास्क फोर्स की अन्य सिफारिशें इस प्रकार है: सभी ऋणों के मूल्य निर्धारण को एक बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना, क्योंकि मौजूदा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट बैंकों ने में तुलनीय नहीं हो सकती है। द्वितीयक बाजार ऋण की नीलामी के लिए एक ऑनलाइन ऋण बिक्री मंच की स्थापना की सिफारिश की। अगस्त 2019 की बात करें तो आरबीआई बोर्ड ने जलान समिति की रिपोर्ट स्वीकार की और सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने बीमल जलान समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दी। अधिशेष में संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार निर्धारित वर्ष 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपए और 52,637 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपूर्ति शामिल है। अधिशेष हस्तांतरण जीडीपी का 1.25% है। केंद्रीय बैंक ने सरकार के परामर्श के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल गवर्नर बिमल जलान की अध्यक्षता में आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने की एक समिति का गठन किया था। अगले है आरबीआई नेफ्ट दिसंबर 2019 से 24/7 उपलब्ध होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त को घोषणा की कि दिसंबर 2019 से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट सिस्टम 24/7 उपलब्ध होगा, मतलब 24 घंटे 7 दिनों। वर्तमान में खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा संचालित नेफ्ट भुगतान प्रणाली सप्ताह के सभी कार्य दिवसों 8वें और 4वें शनिवार और महीने के सभी रविवारों को छोड़कर सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अगली बात करते हैं आरबीआई केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री स्थापित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त को एक केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जो वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की निगरानी करेगा। इस कदम से भुगतान प्रणालियों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है। वर्तमान में बैंक प्रणाली में होने वाले सभी धोखाधड़ी को आरबीआई के केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी सेल की रिपोर्ट करते हैं। आरबीआई एक रिपोर्ट के अनुसार तत्काल भुगतान सेवा और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणालियों में 100% से अधिक की वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में 2021 तक 40% की वृद्धि होगी। इसके अलावा दिसंबर 2021 तक डिजिटल लेन देन की संख्या 4 गुना बढ़कर 8,707 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। केंद्रीय धोखाधड़ी की रजिस्ट्री पहले नंबर लंदन नीले कड़ी समिति की रिपोर्ट
और आरबीआई के भुगतान विजन दस्तावेज 2019 से 2021 दोनों में प्रस्तावित की गई है। अगली बात करते हैं, आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों के लिए अंतिम नियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क जारी किया। 13 अगस्त 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम मसौदा जारी किया है, जिसमें स्टार्टअप बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को सक्षम करना है। मानदंड ने आरबीआई उन कंपनियों बैंकों के लिए सैंडबॉक्स लॉन्च करेगा जो 25 लाख रुपए के न्यूनतम निवल मूल्य के मानदंडों को पूरा करते हैं और इकाई के प्रमोटर निदेशक को फिट और उचित ढांचे को पूरा करना चाहिए। नियामक सैंडबॉक्स यह एक सुरक्षित और नियंत्रित बिना बिना वियामन वातावरण में नए उत्पाद सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित है करता है, जहां नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछ नियामक छूट की अनुमति दे सकता है। पृष्ठभूमि नियामक सैंडबॉक्स की अवधारणा को आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला हमारा ऊषा थोराट की अगुवाई में अपतटीय रुपये के बाजारों पर आरबीआई की टास्क फोर्स तटवर्ती बाजार के घंटों के विस्तार की सिफारिश करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऊषा थोराट की अध्यक्षता में अपतटीय रुपये के बाजार पर गठित टास्क फोर्स में विदेशी उपयोगकर्ताओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तटवर्ती बाजार के समय को बढ़ाने की सिफारिश की गई है और भारतीय बैंकों को हर समय वैश्विक ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से कीमतों की पेशकश करने की अनुमति दी है। अगला हमारा आरबीआई एनबीएफसी के तहत एचएफसी को एक श्रेणी के रूप में माना जाएगा। 13 अगस्त 2019 को भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि विनियामक उद्देश्यों के लिए आवास वित्त कंपनी को एनबीएफसी की श्रेणियों में से एक माना जाएगा और यह आरबीआई की देखरेख में आएगा। अगला है जुलाई 2019 की, तो बात करते हैं संपार्श्विक मुक्त ऋण देने में बढ़ोतरी के लिए आरबीआई पैनल ने मुद्रा ऋण सीमा 20 लाख तक की है। आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। समिति ने मुद्रा के तहत स्वीकृत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की सिफारिश की है, जो एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है। लोकसभा के एक अन्य स्तर पर उन्होंने कहा है कि मार्च 2018 से मार्च 2019 के दौरान देश में उद्योग आधार पोर्टल पर 22.83 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पंजीकृत थे। एमएसएमई मंत्रालय अपनी योजना और कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना के माध्यम से वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। अब बात करते हैं अगला है उत्कर्ष 2022 से आरबीआई बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने केंद्रीय बैंक के अन्य कार्यों के अतिरिक्त पर्यवेक्षक और विनियमन में सुधार करने हेतु 3 वर्षीय रोड मैप को अंतिम रूप प्रदान किया है। इस मध्यम अवधि की रणनीति का नाम है उत्कर्ष 2022। अगले 3 वर्षों में जिन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनकी पहचान करने हेतु एक अंतिम आंतरिक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य कर रहे हैं। अगला है आरबीआई ने नई दिल्ली में बैंकिंग लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला है। रिजर्व बैंक ने अपनी नई दिल्ली कार्यालय में डिजिटल लेन देन के लिए बैंकिंग लोकपाल और लोकपाल का तीसरा कार्यालय खोला है। आरबीआई ने कहा है कि दो योजनाओं के तहत संकल्प की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तीसरा कार्यालय खोला गया।
इसके साथ है अब देश में 22 कार्यात्मक बैंकिंग को लोकपाल कार्यालय हैं। इस कार्यालय बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत स्थापित की गई। बैंकिंग लोकपाल योजना में बैंक ग्राहकों द्वारा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक तीव्र और सस्ता मंच है। यह योजना 1995 से RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत शुरू की गई है। बैंकिंग लोकपाल योजना, इसके बारे में बात करें तो बैंकिंग लोकपाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ग्राहक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं। वह बैंकिंग सेवाओं में कुछ कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत के निवारण के लिए RBI द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अंतर्गत आते हैं। एक महीने के भीतर बैंक से जवाब नहीं मिलने पर बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि बैंक द्वारा संबंधित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के बाद या बैंक शिकायत को अस्वीकार कर दिया जाता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायत को दर्ज करने और हल करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। बैंकिंग लोकपाल योजना के लिए अपीलीय प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल हैं। अब जून माह की बात करते हैं। MSME पर यूके के सिंघा पैनल ने मुद्रा के अंतर्गत 20 लाख रुपए के संपार्श्विक मुक्त रेट का सुझाव दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पर भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ समिति ने संपार्श्विक मुक्ति रेट पर पूंजी को दोगुना करने करके वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की सिफारिश की है। इससे मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और MSME तक विस्तारित किया जाएगा। डिस्ट्रेस्ड परिसंपत्ति निधि या छोटे उद्यमों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस्ड परिसंपत्ति निधि के निर्माण की भी सिफारिश करता है। इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI को निर्दिष्ट किया है जो MSME क्षेत्र के विकास हेतु जिम्मेदार है। सरकार ने एक खरीद नीति को अधिसूचित किया है जिसमें PSU और सरकारी विभागों को सरकारी ई बाजार पोर्टल के माध्यम से अपनी खरीद का 25% MSME से खरीदना होगा। यह प्रस्ताव 8 सदस्यीय RBI समिति द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे MSME क्षेत्र में के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष यूके सिंघा हैं की अध्यक्षता वाले पैनल ने RBI को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अगला है, RBI ने वाणिज्य बैंकों को शिक्षा ऋण योजना को अपनाने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय संघ द्वारा तैयार की गई शिक्षा ऋण योजना को अपनाने की सलाह दी है। इस योजना के बारे में बताएं तो आपको भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख तक का ऋण, विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख तक का ऋण, शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण, 7.50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई सीमा नहीं है, 15 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि है, सभी मामलों में अध्ययन पूरा कर होने के बाद पुनर्भुगतान हेतु 1 वर्ष का ऋण स्थगन, ऋण की अवधि के दौरान 2 या 3 बार बेरोजगारी रोजगार न होने के को ध्यान में रखते हुए ऋण स्थगन, यदि छात्र स्नातक होने के बाद एक स्टार्टअप उद्यम शुरू करना चाहता है तो समान अवधि के लिए ऋण स्थगन। 24 जून 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी वेबसाइट पर बैंकों और NBFC के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। अगला हमारा वित्तीय वर्ष 2019-19 CAD बढ़कर 57.2 बिलियन से डॉलर या GDP का 2.1% हो गया। 28 जून 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019 में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 57.2 मिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का GDP का 2.1% हो गया है, जो कि वर्ष 2018 में 1.8% था, जो कि 48.7 बिलियन डॉलर था। कच्चे तेल के महंगे आयात के कारण, उच्च व्यापार घाटे के कारण यह 6 वर्षों में अधिकतम था। केंद्र ने राजकोषीय घाटे, सरकार के राजस्व व्यय के मध्य अंतर को 2018-19 के समान इस वित्तीय वर्ष के लिए GDP के
3.4% कहाँ का है? चालू खाता घाटा एक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतकों में से एक है। देश के द्वारा आयात तो और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य के बीच के अंतर को मापता है। अगला है, आरबीआई ने बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात को कम किया। रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के लिए लीवरेज अनुपात में 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% की छूट दी है। यह निर्णय उनकी ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए किया गया। घाटा गया लीवरेज अनुपात 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होने वाली तिमाही से प्रभावी होगा। बेसल थ्री मानदंडों के अंतर्गत लीवरेज अनुपात को बैंक के जोखिम के प्रतिशत के रूप में टीयर वन पूंजी के रूप में परिभाषित किया गया। अब बात करते हैं, आरबीआई ने महत्वपूर्ण बेंचमार्क के प्रशासन हेतु एफबीए की स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साधनों की के लिए बाजार में महत्वपूर्ण बेंचमार्क हेतु वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक की स्थापना हेतु एक बिना विनियामक ढांचा जारी किया है। एफबीए इसे भारत में एक ऐसी कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा जो हमेशा न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति बनाए रखेगी। एफबीए के कार्यों की बात करें, संदर्भित वित्तीय साधन और प्रशासन के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा के यथार्थ और विश्वसनीय प्रतिनिधि के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण बेंचमार्क को डिजाइन करना और सुनिश्चित करता है कि ये डेटा एक सक्रिय बाजार में हस्तांतरण पर आधारित होगा। फिर यह आरबीआई को रिपोर्ट सौंपता है। ये दिशा निर्देश आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पी विजय भास्कर की रिपोर्ट पर आधारित है। आरबीआई द्वारा अगला आरबीआई द्वारा एमएसएमई का अध्ययन करने हेतु यूके सिंघा की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया। 18 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की आर्थिक वित्तीय धारणीयता के लिए दीर्घावधि समाधान सुझाने के लिए एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष हैं सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिंघा। तब मई 2019 की देखते हैं, हर्षवर्धन समिति। आरबीआई ने भारत में बंधक प्रतिभूतिकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और बाजार को आगे विकसित करने हेतु सुझाव देने के लिए हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। अगला है, आरबीआई व्यावसायिक ऋणों के लिए एक समिति बनाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक ऋणों के लिए द्वितीय बाजार विकसित करने हेतु एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जो ऋण बाजार की क्षमता बढ़ाने और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में सहायता करने लिए सुझाव पेश करेगी। समिति के अध्यक्ष हैं केनरा बैंक के सीईओ टी एन मनोरम हरण। अगला हमारा, आरबीआई ने कैश लाइट सोसाइटी के लिए भुगतान प्रणाली हेतु विजन 2021 दस्तावेज जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सुरक्षित सुविधाजनक त्वरित और अनुकूलीय ई भुगतान प्रणाली के लिए अपने मुख्य विषय असाधारण ई भुगतान अनुभव को सशक्त बनाना है। बनाना के साथ एक भविष्य दस्तावेज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 से 21 जारी किया है। दिसंबर 2018 में डिजिटल हस्तांतरण की संख्या में 2069 करोड़ से दिसंबर 2021 में 4 गुना अधिक 87.07 करोड़ तक बढ़ने की अपेक्षा है। चलिए तो अब बात करते हैं, हम लोगों ने देखा है आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं करंट अफेयर 2019 की। तो आपको बता दें, आप भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसकी स्थापना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की बात करें तो ये नोट जारी करता है, भारत सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक भी है, क्रेडिट का नियंत्रक है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा आरबीआई से संबंधित।